ये बताइए कि मसाल जुलूस निकाले हैं, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि मसाल जुलूस निकाला पड़ा? देखिए मसाल जुलूस क्योंकि कल बिहार बंद है, इसको लेकर के सभी लोगों से अपील है और समर्थन के लिए कि हम लोग जो देश को जो लोग तोड़ना चाह रहे हैं, जो असंवैधानिक कानून इन लोगों ने जबरन बनाने का काम किया है, इसके खिलाफ। और देखिए देश जो है सबों का देश है, इस देश के आज़ादी में सब लोगों की कुर्बानी रही है और हमारी देश की यही पहचान है, खूबसूरती है कि अलग राज्य है, अलग भाषा है, अलग जातियां हैं, अलग धर्म है और हम लोग मिलजुल करके रहते हैं। ये देखिए ये तो मुसलमान बहाना है, असली निशाना पिछड़ा और दलित है। और देखिएगा पूरी तरीके से आपको साबित करना पड़ेगा, हमको साबित करना पड़ेगा कि नागरिक आप इस देश के हैं कि नहीं हैं। यानी इतनी बड़ी अपमान की बात है कि हमारे घर में लोग दस्तावेज मांगेंगे कि हम इस देश के निवासी हैं कि नहीं है। आप बताओ बिहार जो है एक तरफ पूरा जो है बाढ़ से डूबा रहता है, बाढ़ आता है तो कितना लोगों का घर दह जाता है, मृत्यु हो जाती है, वो लोग कहाँ से कागज डॉक्यूमेंट लाएगा बताएगा कि भाई हम इस देश के नागरिक हैं? ये कोई कौन बताएगा, कौन डॉक्यूमेंट तय करेगा? तय करने वाले कौन है, पूछने वाले कौन है कि हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है? तो आप देखिएगा तरह तरह की बातें, आप आदिवासी भाइयों के बीच चले जाइए जो जंगलों में रहने का काम करते हैं, उनका पूरा समुदाय रहता है, आप उनसे कहाँ से डॉक्यूमेंट की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट? अब देखिए 1951 के समय जो भी हुआ उस समय का डॉक्यूमेंट कौन लाएगा, रिफ्यूजी का जो टोकन मिलता है वो कौन लाएगा, कहाँ होगा अभी पड़ा हुआ? तो ये पूरी तरीके से ये काला कानून है, इसके लिए हम लोग जो है पूरी तरीके से विरोध जो है करने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी आरएसएस के गोद में बैठ करके प्रवचन दे रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता का चोला उन्होंने पहना था उनका दोहरा चरित्र जो है वो उजागर हो गया है, ये बात समझिए। 370 में क्या था, नहीं होने देंगे, क्या कहा था उन्होंने ट्रिपल तलाक पे कि नहीं होने देंगे, एनआरसी हो या आपका जो सीएए है, अब एक्ट बनवा दिया। देखिए कथनी या करनी में भारी अंतर है, उनके कथनी पे मत जाइए करनी पे जाइए। लोकसभा राज्यसभा में नीतीश कुमार जी ने वोट देने का काम किया है, बिल को एक्ट बनाया है और ये पूरी तरीके से आप लोग देखिएगा नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से संघी हो चुके हैं और ये खाली इनके अभी तो रुदालु लोग से रुलवा रहे थे, अब खुद रोने का काम कर रहे हैं। तो जो भी लोग कहते थे कि विरोधी भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं विरोधी भड़काने का काम कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे थे, उनको घर बुला करके बोलते कि आप अपने स्टैंड पर रहिए, कोई कुछ कहता हो उस पर ध्यान मत दीजिए। यानी उनके दल के ही लोग बोले नीतीश कुमार के प्रशांत किशोर भी भड़का रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे? तो यहाँ भी उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, जो दोहरा चरित्र है, वो उजागर हो गया। सीएए और एनआरसी को लेकर आरजेडी ने 21 दिसंबर यानी कल बिहार बंद का कॉल किया है। बिहार बंद को सफल बनाने के लिए आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला। तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि अगर उनके जुलूस पर या फिर बंद के दौरान पुलिस ने लाठी चलाया तो इसका अंजाम बुरा होगा। हालांकि दूसरी तरफ एडीजी हेडक्वार्टर ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि दंगा फैलाने और तोड़फोड़ आगजनी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से पेश आएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ बूझा, पटना न्यूज़ 24।